यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला ने ग्राम पंचायत में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरू किया है एक नया अभियान। मैं भी बाल सरपंच है उसका नाम। सर्वप्रथम मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आज मौका मिला यहाँ पे खड़े होने का और मेरी बात स्पष्ट करने का कि हमारे गांव में और हमारी पंचायत में क्या दिक्कत आ रही है और क्या हम हमारी पंचायत को आगे ले जा सकते हैं। मैं सभी आए हमारे गेस्ट आए हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन का हाथ जोड़कर, और सभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ। मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जहाँ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे टीचर्स की वजह से खड़ा हूँ, जो हमारे लिए पिंकी मैम ने जो हमारी पंचायत के लिए जो किया है शायद कोई नहीं कर सकता। पर हर व्यक्ति कोई निपुण नहीं होता है, सभी को गाइड की जरूरत होती है, चाहे वो पिंकी मैम हो चाहे कोई और भी पंचायत से हो, सभी को गाइड की जरूरत होती है, सभी को बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद की जरूरत होती है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें मतलब हमारे पीछे गाइड करने वाला कौन है। मेरे बड़े भाई आशीष ने पानी की सुविधा के लिए तो बता दिया, तो मैं उसके बारे में तो आपको कुछ बता नहीं सकता। मैं एक मेन टॉपिक और रखना चाहूँगा कि स्वच्छता भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो मैम ने स्वच्छता के लिए जो हमारे काजरा पंचायत में जो किया शायद कोई नहीं कर सकता था। हमारे भाई जी भी बहुत स्वच्छता के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इन्होंने हमेशा स्वच्छता के लिए आगे हमारा प्रयास किया है कि स्वच्छता के लिए हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे श्रीमान्य अशोक गहलोत साहब ने एक खेल प्रतियोगिता रखी थी जिसका नाम था ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव में खेल प्रतियोगिता जरूर होनी चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, शायद ग्राउंड की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे मेरे देखने में लग रहा है कि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी पंचायत और हमारे गांव से कुछ ना बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकल सकते हैं, अगर उनको सपोर्ट दी जाए, घर से सपोर्ट मिले, पंचायत से सपोर्ट मिले, पंचायत समिति से सपोर्ट मिले, सरपंच से सपोर्ट मिले, तो शायद वो नेशनल स्टेट लेवल पर पोजिशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको विदित होगा कि पिछली बार झुंझुनू ने सेकेंड पर पोजिशन प्राप्त की थी कबड्डी में, तो वो बहुत 17 साल बाद में झुंझुनू ने मेडल प्राप्त किया था, तो वो बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे झुंझुनू की धरा ने जाकर स्टेट लेवल पर बताया कि झुंझुनू के बच्चों में ये प्रतिभा है। तो मैं मैम से और मेरे सभी आए हुए अतिथि से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई आशीष ने पानी की सुविधा के लिए बता दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बता दिया, तो आजकल बेटी अपने आप में निपुण है, उनको गाइड की जरूरत नहीं है, वो इतनी काबिलियत हैं रखती हैं कि वो यहाँ आकर या कहीं पर भी जाकर कुछ बोल सकें। मंजू मैम भी किसी की बेटी हैं, किसी की यहाँ की धरा की बेटी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे आकर पंचायत समिति में आगे आकर कोई काम किया है, तो मैं बेटियों के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं मेरी बहनों या मेरी माँ बाप के लिए कुछ बोल सकूँ। मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि आज अगर सपोर्ट मिलता तो यहाँ से मेरे कुछ भाई कुछ बहन सपोर्ट में आगे जरूर निकलती। मैं पिंकी मैम से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि काजड़ा गांव में ग्राउंड की सुविधा हो, हर साल इवेंट करवाए जाएं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो खो खो हो। हमारे आस पास में हमारे गाँव में भी सुविधा है। मैं काजड़ा से बिलोंग नहीं करता, मैं दोबड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ, मेरा गाँव बिजोली है, मेरा नाम अभिषेक शेखावत है और मेरे बाबा का नाम राम सिंह शेखावत है। शायद ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, पर मेरे इंटरव्यूज मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मेरे भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे ही वोट दो, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जो अगर मैं सरपंच बाल सरपंच बनता हूँ तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ आके बोलूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई जहाँ कोई बिछड़ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही खेलने की पढ़ने की या कई दिक्कत आ रही है। काजरा गांव में शायद मेरे को लगता नहीं कि कोई पढ़ाई से विकसित है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चार चार गवर्नमेंट स्कूल हैं। शायद मेरा पंचायत है जो दोबड़ा पंचायत है, वो शायद इस सिचुएशन से बिछड़ रहा है। तो मैं यही करना चाहूँगा कि मैम से, मैम आपने काजरा के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहोगे। मैं मेरे दोबड़ा पंचायत श्रीमान राजेश कसवा सर से यही निवेदना कर रहा, अगर ये वीडियो वहाँ तक जाएगी तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें अपील की है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ करो। कि आप सरपंच मने हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपने आगे आकर कभी हमें सपोर्ट नहीं किया है, कभी हमारे लिए कुछ ऐसा काम ये नहीं किया है कि मेरे को शायद लगता है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ नहीं भी बोलनी चाहिए, पर मैं जो सच है वो सच है कि उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया है, पर हमारे लिए शायद नहीं किया। तो यही बात दरख्वास्त करना चाहूँगा मैं सभी गेस्ट से, मेरे अतिथि से और मंजू मैम से कि बच्चों को खेल से सपोर्ट करें, कि वो जो हमारे स्टेट के राष्ट्रपति और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जब खेल के लिए सपोर्ट कर सकते हैं तो हम हैं क्या।
वो इतने बड़े व्यक्ति हमें खेल के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जो पिछले ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें 4.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है। विश्व ये इंडिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता थी, ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जो श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा कही गई थी ये बात। तो उसमें भी बहुत टीमें आगे निकली हैं, हमारे सूरजगढ़ ब्लॉक पे भी जीती हैं, पिलानी ब्लॉक पे भी जीती हैं, जिला प्रतियोगिता भी हुई है। और अब मैं इन बात मेरे वाणी को यही नाम देता हूँ, धन्यवाद। ग्राम पंचायतों में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जुड़े यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला के बाल सरपंच अभियान से।